हेलो फ्रेंड, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल गेनर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं फ्रेंड कि जिस मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्कैनर है उस मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करता हूँ। फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए सबसे पहले सेटिंग पर टाइप करना है, और सेटिंग पर टाइप करने के बाद फ्रेंड यहाँ सिक्योरिटी पर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, इस पर टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न, फिंगरप्रिंट प्लस पिन और फिंगरप्रिंट प्लस पासवर्ड। तो इनमें से आपको जो पसंद हो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फिंगरप्रिंट के साथ पिन लॉक लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेकंड में जो ऑप्शन है फिंगरप्रिंट प्लस पिन, इस पर टैप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक पिन बना लेना है, तो मैं यहाँ पर पिन बना लेता हूँ 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर टैप करना है, उसके बाद से फिर एक बार उसी पिन को फिल कर देना है 1 2 3 4, और उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर डन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेटअप पर टैप करना है, और सेटअप पर टैप करने के बाद फ्रेंड इसको बैक में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इस पर अपनी फिंगर को टच करना है और हटा लेना है, टच करना है और हटा लेना है। इसी तरह से आपको तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर पूरा फिल ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर पूरा फिल करता हूँ पहले। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर ये फिल हो रहा है और ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगर आप किसी और फिंगर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड अनदर पर टैप करके आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर डन पे टैप करता हूँ क्योंकि मुझे कोई भी और फिंगर को ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर डन पर टैप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपनी फिंगर को टच कराता हूँ, और आप देखेंगे यहाँ पर ये ओपन हो गया। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर पर फिंगर को टच करने से यहाँ पर ये स्क्रीन लॉक ओपन हो गया। तो इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं जिस मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल भी प्रेस कर दें नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स।